Hi, this is Kailas and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 4 of exercise 7.1. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC or CDA दोनों क्या है congruent है. दो लाइन दे रखी है L और M. ये L ये M ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट करती है P और Q. ये दोनों भी हमारी पैरेलल लाइन है. तो ये दोनों एक यहाँ पे बीच में इनका एक यहाँ से आप मीट कर रखा है तो एक ट्रायंगल बन गई. एक ये ट्रायंगल होगी और ये एक ट्रायंगल होगी ए बी सी. ये ट्रायंगल और सी डी ए. हमें क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है. और किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीज होनी चाहिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसको. सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए. दोनों ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे. अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या कॉमन है, अगर ये हमारी पैरेलल लाइन है ये वाली और ये वाली और ये वाली ये वाली, ये तो हमें दे रखी है. अगर पैरेलल लाइन है तो ये हमारी बीच वाली क्या बन जाएगी, इनके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी. ट्रांसवर्सल लाइन अगर हमारी हो जाएगी तो हमारे एंगल क्या हो जाएंगे इसके अंदर. जैसे हमारी ये एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल, और बी सी ए ये वाला एंगल. ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अगर हमारे P और Q दोनों पैरेलल लाइन है और ये हमें दे रखा है. क्यों जाएगा, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, यहाँ से बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो उसके ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए. रीजन देंगे हम ए आई ए, इसको ए आई ए हम लिख सकते हैं. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, तो हमारा एक तो ये हो गया. सेकंड, अगर हमारी ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी हमारा एंगल बी ए सी ये वाला एंगल और डी सी ए ये वाला एंगल. ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. क्यों, सेम रीजन देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो लिखेंगे हम बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, सेम रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल है तो ए सी जो लाइन है हमारी है इसमें क्या है, कॉमन है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू सी ए. बीच में लिखेंगे कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड होगी हमारी. तो अगर हमारे पास तीन चीज कॉमन आ गई है, तीन चीज आ गई तो हमारे पास हम इजिली इसको क्या कह सकते हैं, ये इसके कॉन्ग्रेंट है. तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए. और किस थ्योरम से हुई है ये हमारी साइड है, सॉरी ये हमारा एंगल है, ये भी एंगल है और ये क्या है, साइड. तो एंगल एंगल साइड से नीचे लिख देंगे एंगल एंगल साइड. ये हमें प्रूव करना था, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, ए बी सी और सी डी ए को. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. नो, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एट एन पॉइंट एल. बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए. ये हमें फिगर दे रखा है, इसके अंदर जो हमारा एंगल ए है, ये जो एल है यहाँ पे दे रखा है, ये एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है. अगर ये बाइसेक्टर है एंगल ए का एल, तो क्या करेगा, ये वाला एंगल और ये एंगल वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है वो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया. सेकेंड क्या कह रखा है, बीपी और बी क्यू, बीपी और ये बी क्यू हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पे एंगल ए वाली लाइन पे, ये इस पे और ये इस पे. तो इट मीन्स अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का. तो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी ये वाली ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिएगी. और तीन चीजें हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले में लिखेंगे हम कि इन दोनों ट्रायंगल में ए पी बी और ए क्यू बी में हमारा क्या दे रखा है, ये वाला एंगल जो हमारा बी ए क्यू, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए पी के. क्यों, क्योंकि एल क्या है, पर इसका एंगल वाइज सेक्टर है एल वाली लाइन, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे. लिखेंगे एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी. रीजन देंगे
क्योंकि L इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एक चीज तो हमारी ये होगी। सेकंड हमारी चीज, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें दे रखा है और सेकंड अगर हमारा ये इसके परपेंडिकुलर दे रखा है कि ये वाला और ये वाला इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, तो हम लिखेंगे सेकंड चीज एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए, ये दोनों हो जाएंगे, क्यों लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे। और थर्ड चीज हमारी, अगर ये ट्रायंगल दोनों दे रखी है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी, तो ए बी साइड दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो तीन चीज हमारे पास इक्वल हो गई, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, सो ये दो इसके हमारे पास क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है हमारा BP इज इक्वल टू BQ, हमें प्रूव करना है कि BP, ये BP और BQ इसके इक्वल है, तो ये हमारा इजीली हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने इस दोनों ट्रायंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो इसमें ये हमारा BP और ये हमारा BQ है, तो इसी ट्रायंगल में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारी, और रीजन लिख देंगे नीचे बाय CPCT, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए, ये जो हमें फिगर दे रखा है इसके अंदर हमारा ए सी, ये वाली लाइन किसके इक्वल है, ए के, इसके इक्वल है। सेकंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी ये वाली लाइन किसके इक्वल है, ए डी इस वाली के इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। एंगल बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल ई ए सी, ई ए सी ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है। ओके हमें शो करना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी ये वाली लाइन और डी ई ये वाली लाइन, ये जो हमारी लाइन है बी सी, ये हमें डी ई के इक्वल प्रूव करना है। ओके तो इसको प्रूव करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। जैसे हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, इस वाली ट्रायंगल को, एंड हमारी सेकंड ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी, ए डी और ई। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो हमें शो करना है बी सी और डी, तो ये हमारा बाय सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाली ट्रायंगल लेंगे और ए डी ई, ए डी और ये वाली ट्रायंगल, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हमें क्या दे रखा, ए इक्वल किसके दे रखा, ये ए बी है हमारा किसके इक्वल दे रखा, ए डी के, तो लिखेंगे हम ये पहले ये लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए दे रखा है, ए सी इक्वल टू ए, एक तो ये हो गया दोनों ट्रायंगल में हमारा, क्यों गिवन लिख देंगे, गिवन दे रखा हमें कि ये दोनों इक्वल है, ए सी ये वाली और ये वाली, तो दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड इक्वल होगी। और दूसरी साइड है हमारी ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी ये वाली और ए डी ये वाली, दोनों में एक साइड ये होगी ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी हम लिख देंगे इक्वल है, क्यों रीजन दे देंगे कि ये गिवन है हमें। अब हमें एक चीज और इक्वल करनी है, सो हमें एंगल दे रखा है एंगल बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल और ई ए सी, ई ए सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल दे रखा, अगर हम इन दोनों में ये वाला एंगल ऐड कर दें डी ए सी, इसमें अगर हम ये डी ए सी ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा एंगल हो जाएगा, और इसमें अगर हम ये ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा एंगल हो जाएगा, तो ये वाला इस ट्रायंगल का हो जाएगा ए डी ई में और ये बी ए सी में इक्वल हो जाएगा हमारा, तो लिखेंगे हम एंगल, ये तो मैं दे रखा बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, बट ये हमारा इन दोनों ट्रायंगल में नहीं बन रहा, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये बीच वाला जो एंगल बच गया इसको ऐड करेंगे दोनों में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम सेम वैल्यू को माइनस या प्लस करते हैं, तो इसमें ऐड करेंगे तो एंगल हमारा बी ए डी, इसमें बीच वाला ये ऐड करेंगे तो पूरा बन जाएगा डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, बी ए डी इस एंगल में अगर हमने डी ए सी ऐड किया तो पूरा एंगल बन गया बी ए सी, तो हो जाएगा हमारा एंगल बी ए सी इक्वल टू
ई ए सी ये वाले एंगल में हमने अगर डी ए सी ऐड किया तो ये हमारा पूरा एंगल बन गया ई ए डी एंगल ई ए डी। तो एक चीज हमारी ये हो गई थी, सेकंड हमारी ये हो गई थी और थर्ड हमारी ये हो गई। दोनों ट्रायंगल में हमारा एंगल बी ए सी और एंगल ई ए डी इक्वल आ गया हमारा। तो हमारी तीन चीज इक्वल होगी तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। अब किसके थ्रू है, ये हमारी साइड है, ये भी साइड है और ये क्या है एंगल, तो दो साइड और एक एंगल है तो ये हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड साइड एंगल और साइड, तीन चीज हमारी इक्वल होगी तो ये हमारी होगी कॉन्ग्रुएंट। अब हमें प्रूव क्या करना था, बी सी इज इक्वल टू डी नीचे लिखेंगे। सो बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी है इसमें और इसमें क्या है डी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 and 8। एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो।